देखिए लॉग की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर वन, लॉग एन बेस एन बाई एन, जिस नंबर का लॉग देते हैं एंड जो बेस है दे आर रेसिप्रोकल, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन, एंड लॉग एन बेस वन बाई एन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू इच अदर। लॉग ए बेस है लॉग वन बेस ए इज इक्वल टू जीरो, लॉग जीरो बेस ए दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इफ ए इज ग्रेटर देन वन, एंड इफ ए इज लेस देन वन देन लॉग जीरो बेस ए इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये चीज कल आपको डिटेल में बताई थी इसके बारे में सभी बातें। लॉग फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग एक्स वाई बेस ए। कैसे इसका प्रूफ कैसे करेंगे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, देखिए फिर भी। अगर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू कैपिटल ए ले लिया एंड लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू बी ले लिया, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, एक्स की ए की कितनी पावर रेज करें, ए पावर रेज करें दैट विल बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर कैपिटल ए, वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर कैपिटल बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ए इंटू ए रेज टू पावर बी, पावर एड हो जाएगी ए रेज टू पावर ए प्लस बी, दोनों तरफ लॉग लेते हैं टू द बेस ए, बेस ए के ऊपर लॉग लिया है, देन लॉग लेफ्ट हैंड साइड है आपकी दिस इज लॉग ए एक्स वाई बेस ए दिस इज इक्वल टू लॉग ए रेज टू पावर ए प्लस बी बेस ए। पावर जो है पावर क्या होगी, पावर आगे आ जाती है दिस इज ए प्लस बी लॉग ए बेस ए एंड लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका वन, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई बेस ए, ये प्रूफ हो गया इसका। सिमिलरली सेकंड जो फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों को डिवाइड करेंगे देन क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई बेस ए। एंड कई बार हमें बुक्स में क्या लिखा मिलता है एन एन एक्स, एन एन एक्स का मतलब होता है उस लॉग का बेस क्या है ई है, एंड इसे क्या कहते हैं नेचुरल लॉग कहते हैं। अगर अदर देन ई कोई भी बेस है दैट इज कॉमन लॉग, बेस 10 बेस एक्स ले लिया, 2 बेस लॉग एक्स बेस 2 ले लिया, 10 ले लिया, 5 ले लिया, दिस इज कॉमन लॉग। लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए दिस इज लॉग एक्स वाई एक्स अपॉन वाई बेस ए। प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है, न कि ये नहीं है कि सिर्फ एक्स एंड वाई टू टर्म्स के लिए इस्तेमाल होगा, आप कितने भी नंबर्स हों सभी का मल्टीप्लीकेशन है तो उनका लॉग उसी बेस के ऊपर सामने आएगा। लाइक लॉग ए बेस एक्स रेज टू पावर एन है दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए एन टाइम्स होगा, एन क्या होगा आगे आ जाएगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी हमें ये पता लगी लॉग ए बेस एक्स रेज टू पावर एन है एन जो पावर है वो आगे आ जाती है यहां ट्रांसफर होगा। तो कहीं भी जैसे जो प्रॉब्लम में रखी है उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर यहां लिखा हुआ है तो पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, पावर में है तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लॉग ए रेज टू पावर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। कैसे देखिए, जैसे लॉग रियल नंबर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जो वैल्यू देता है रियल होता है एंड रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कमोटेटिव, तो लॉग एक्स बेस ए लॉग एन बेस ए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म पहले लिख दी ये बाद में लिख दी बिकॉज मल्टीप्लीकेशन कॉमोटेटिव होता है। अब इसके साथ इस लॉग के साथ ये टर्म टोटल टर्म इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी, इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी तो क्या जाएगा लॉग एन रेज टू पावर लॉग एक्स बेस ए एंड टू द बेस ए, एंड
इसकी यहां पर log n बेस a पहले लिया था, ये इसके पावर में शिफ्ट हो जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग a कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तब उसके बाद क्या होगा, दिस इज n रेज टू पावर log x बेस a इज इक्वल टू x रेज टू पावर log n बेस a। इट मींस क्या हुआ, यहां n था और यहां x है, ये यहां पर क्या होगी, शिफ्ट होगी, जिसके जो नंबर था वो बेस एक्सपोनेंट में बेस हो गया और जो बेस था वो किस में चला गया, आपका नंबर की जगह चला गया। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ए रेज टू पावर log x बेस a है, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में शिफ्ट हो सकते हैं, दिस इज ए रेज टू पावर log a बेस a x रेज टू पावर, सॉरी दिस इज x रेज टू पावर एंड log a बेस a इज इक्वल टू 1, देन दिस इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x। तो इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें जो डोमेन और रेंज निकालनी पड़ती है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन मात्र को ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन में क्या है, log n बेस a इज इक्वल टू x है, x एक्सपोनेंट है, दिस इज नंबर एंड दिस इज बेस, बेस जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट a 1 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली आप एग्जांपल्स देखिए, फाइंड x इफ log 2x plus 1 टू द बेस 1 by 2 माइनस log x plus 1 टू द बेस 1 by 2, दोनों का बेस सेम है, सेम है तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं माइनस है बीच में, तो क्या आ जाएगा, दिस प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, तो log 2x plus 1 upon x plus 1 to the base 1 by 2 to the base 2x plus 1, जब log को कैंसिल करेंगे this is 2x plus 1 upon x plus 1, this is equal to 2, 1 by 2 raised to power 0, किसी भी real number की power 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है, then 2x cross multiplication से 2x plus 1 is equal to x plus 1, 1 से 1 cancel हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x is equal to क्या आ गया आपके पास, x is equal to 0। सिमिलरली ये कहता है कि find x such that log 3 base x square minus log x base 3 is equal to 0, वही प्रॉपर्टी, दिस इज log 3 बेस 3 है, x square upon x, x से x कैंसिल हो गया, log x बेस 3 is equal to क्या है 0 एंड x is equal to क्या आ जाएगा 3 raised to power, ये एक्सपोनेंट है, बेस की पावर लग जाएगी 3 raised to power 0, दिस इंप्लाइज x is equal to 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है आपका log 10 बेस xy plus square root of xy का होल स्क्वायर माइनस 4x plus y अपॉन 2 बेस 10, इसमें भी बेस क्या है 10 है, xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ xy का होल स्क्वायर माइनस 4x plus y, बीच में प्लस है, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, दिस इज प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर log a बेस m प्लस log a बेस n इज इक्वल टू log a बेस m इंटू n। तो जब दिस इज log 10 बेस, log 10 बेस दिस इज m, दिस इज n, एक्स वाई प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस 4 एक्स प्लस वाई, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे दोनों के 2 है तो नीचे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 4 ए स्क्वेयर एक्स वाई का होल स्क्वेयर एंड दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस 4 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, क्या हो जाएगा दिस इज माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस 4 एक्स प्लस वाई, ये आ गया। जब आप इसको खोलेंगे क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वेयर से एक्स वाई का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 एक्स प्लस वाई,
4 into x plus y upon 4, this is 4 से 4 cancel हो गया, this is log 10 base x plus y, इस तरह से कर सकते हैं. Similarly, और example लीजिए, 2 raised to power, this is base, 2 raised to power, log 2 base a, हमें पता है कि ये आपस में पावर बेस और ये ट्रांसफर हो सकता है नंबर, तो 8 यहां आ जाएगा, दिस इज 8 रेज टू पावर 2 लॉग बेस 2, दिस इज लॉग ए बेस ए, क्या होता है लॉग ए बेस ए, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 8. सिमिलरली 1 बाय 3 रेज टू पावर, दिस इज 1 बाय 3 लॉग 8 बेस 3, 3 रेज 1 by 3 को ले सकते हैं हम, 3 raised to power minus 1, minus 1, यहां पर, this is if x raised to power mn, then we can write x raised to power m, और bracket लेकर के इसके power n, ऐसे कर सकते हैं, this is 3 raised to power minus 1 into log 8 base 3, minus log 8 base 3, ये power जो है, this is minus 1 है, ये इसके पावर में शिफ्ट हो जाएगा, 3 raised to power log 8 raised to power minus 1 base 3, ये इसको लिख सकते हैं 1 by 8 log 3 base 3 है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये कहो कि इससे log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, this is equal to 1 by 8, प्रॉपर्टी बताई थी. इसी तरह से 3 raised to power log 3 base log 7 base 3, वही बेस है और जिसके पावर है वही बेस है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल. सिमिलरली 1 by 3 raised to power log 3 base 7, ये क्या हो जाएगा 3 raised to power minus log 7 base 3, ये पावर जो minus 1 है ये इसके पावर में चला जाएगा, log 3 raised to power log 3 base 1 by 7, तो आंसर क्या आ गया इसका 1 by 3. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन, ये है आपका, यू आर गिवन दैट ए रेज टू पावर, ए रेज टू पावर लॉग 2 बेस 5, ए रेज टू पावर लॉग 5 बेस 2, दिस इज ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए रेज टू पावर लॉग 2 बेस 5 इस पावर का होल स्क्वायर. अब देखिए वही बात, x raised to power m, n को लिख सकते हैं x raised to power m, ब्रैकेट लगा के इसकी पावर n, तो यहां पर क्या आ जाएगा, this is a raised to power log 5 base 2 raised to power log 5 base 2, अब इसकी वैल्यू हमें पता है ये कितना दिया हुआ, this is equal to a, 8 raised to power log 2 base 5 आ गया, this is, अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 raised to power 3, 3 यहां पर log 5 base 2 से मल्टीप्लाई है, ये पावर में चला जाएगा, this is 2 raised to power log 5 raised to power 3 base 2, वही बेस है, बेस भी 2 है और जिसके पावर लगी है वो भी क्या है 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, this is equal to 5 raised to power 3 and 5 raised to power 3 is equal to 125, कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, you are given that a raised to power आपके पास है, this is a raised to power log 3 raised 7, this is equal to 27 and b raised to power log 7 base 7 5 is equal to कितना 49, then you have to find the value of a raised to power log 3 base 3 7 raised to power 2 plus b log 5 base 7 इसका भी square. Similarly इसको वैसे ही लिख सकते हैं क्या, this is a raised to power log 3 base 3 7 raised to power क्या हो गया आपका log 3 base और 7, this is plus b raised to power log 5 base 7 raised to power log
7 बेस है एंड 5 दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें पता है दिस इज 27 27 रेज टू पावर log 3 बेस 7 एंड प्लस दिस इज 49 49 रेज टू पावर log 7 बेस 5 अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 3 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 log 7 बेस 3 प्लस 7 रेज टू पावर 2 log दिस इज 5 बेस 7 ये पावर मल्टीप्लाई है log के साथ 3 ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा ये भी पावर में शिफ्ट हो जाएगा 3 रेज टू पावर log 3 7 रेज टू पावर 3 प्लस 7 रेज टू पावर log 7 5 रेज टू पावर 2 यहां से log और बेस ये कैंसिल हो जाएंगे दिस इज 7 रेज टू पावर 3 प्लस 5 रेज टू पावर 2 दिस इज 343 प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 368 दिस इज इक्वल टू 368 नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए log x लिखते हैं log x कुछ भी बेस नहीं लिखते तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बेस क्या है बेस e log e बेस log x बेस e है अब इसको कई बुक्स में क्या लिखते हैं ln x लिखते हैं फिजिक्स वगैरह में आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में आप यूजुअली इसका ln x का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है log x बेस e इसका मतलब क्या है बेस e अब देखिए अगर e रेज टू पावर log x है x कुछ भी बेस नहीं है तो बेस इसका मतलब अंडरस्टूड है ही है एंड e रेज टू पावर है इस log का बेस भी क्या है e है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं किसके इक्वल आएगा आपका x के इक्वल रिजल्ट आएगा ये आपको बता रखा है सिमिलरली e रेज टू पावर log a दिस इज इक्वल टू a इसी तरह से e रेज टू पावर x log a इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर log a रेज टू पावर x ये पावर यहां चली आपने इसको ऐसे लिख दिया अब इसका कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ तो बेस e है एंड e रेज टू पावर log e बेस ए एक्स कट जाएगा क्या बचेगा आपके पास ए रेज टू पावर एक्स सो ए रेज टू पावर एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर log ए इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज इसी से ई रेज टू पावर log ए रेज टू पावर एक्स बेस e है कैंसिल हो जाएगा फिर क्या है a रेज टू पावर x तो जहां पर कैलकुलेशन के अंदर जरूरत होती है जहां अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम मोल्ड करना चाहे इसको मोल्ड कर सकते हैं a रेज टू पावर x को क्या लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इनटू log जैसे 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x है क्या लिखते हैं e रेज टू पावर x इनटू log 3 a रेज टू पावर x को क्या लिखा था e रेज टू पावर x इनटू log a एक इस रेंज में क्या है 3 तो 3 रेज टू पावर x को क्या लिख दिया e रेज टू पावर x log 3 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर सिमिलरली 2 रेज टू पावर 5 क्या हुआ e रेज टू पावर 5 और log वैसे ही लोग की प्रॉपर्टी से जिसे इसको आगे ले आएंगे कुछ भी बेस नहीं है e रेज टू पावर log 2 रेज टू पावर 5 हो गया log ही कैंसिल हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए आपको देखिए इसमें आगे क्या है इसी प्रॉपर्टी से अब आपने क्या किया 3 रेज टू पावर x को e रेज टू पावर x log 3 में लिख दिया y रेज टू पावर log x प्लस log y तो ये आपका इसमें a की तरह बिहेव कर रहा है
एंड ये एक्स की तरह बिहेव कर रहा है जैसे इसमें था, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ई रेज टू पावर जो पावर है वो इंटू में होती है, और पावर ये की लॉग एक्स प्लस वाई एंड इंटू इसका लॉग, दिस इज इंटू लॉग, ऐसे देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री ई लॉग फाइव, ई रेज टू पावर लॉग फाइव, थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री बेस है इसका लॉग देख रहे हैं, यह है ई और इसके पावर लगी हुई है लॉग फाइव, कुछ भी बेस नहीं है, इट मींस बेस ई है, ई रेज टू पावर लॉग ई बेस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज टोटल फैक्टर फाइव। तो ये टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री बेस फाइव आ गया, फाइव आ गया, तीन बेस है, तीन के पावर लगी हुई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया फाइव। सिमिलरली ये कहता है कि फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या है थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री बेस थ्री है, ई रेज टू पावर लॉग फाइव, फाइव रेज टू पावर लॉग फाइव एट रेज टू पावर लॉग एट बेस है थ्री माइनस एक्स। अब देखिए इतने फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए, एट रेज टू पावर लॉग थ्री एक्स माइनस वन बेस एट है, लॉग से एट कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचा आपके पास थ्री माइनस एक्स। तो इस फैक्टर को कैलकुलेट करिए, अब इतने फैक्टर को फाइव रेज टू पावर लॉग फाइव, और यहां क्या है थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस वन है, थ्री एक्स माइनस वन। अब देखिए इस फैक्टर का, यहां तक के फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, दिस इज थ्री एक्स माइनस वन, देन दिस फैक्टर बिकम्स थ्री रेज टू पावर, थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री बेस ई रेज टू पावर लॉग फाइव एंड फाइव रेज टू पावर फाइव रेज टू पावर ए एंड लॉग ए बेस थ्री एक्स माइनस वन था। इतने फैक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, थ्री एक्स माइनस वन, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम थ्री एक्स, ये क्या था आपके पास लॉग फाइव, लॉग फाइव लॉग फाइव, दिस इज लॉग फाइव एंड थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन, इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, फाइव और लॉग बेस फाइव कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, दिस इज थ्री रेज टू पावर लॉग थ्री ई रेज टू पावर लॉग थ्री एक्स माइनस वन, इसका भी बेस ई है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा आपको थ्री एक्स माइनस वन, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया लॉग थ्री बेस थ्री एक्स माइनस वन, इससे भी ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन, एंड राइट हैंड साइड देखिए दिस इज 14, थ्री एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फाइव, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फाइव, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस लेते हैं, जैसे देखिए आपको ये क्लियर हो गया कि ए रेज टू पावर एक्स को वी कैन राइट ई रेज टू पावर एक्स लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पर एक्स रेज टू पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड है, एक्स रेज टू पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड है इंटू वाई रेज टू पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स है एंड जेड रेज टू पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब इसको देखिए ए रेज टू पावर एक्स को हमने ऐसे लिखा था, ई रेज टू पावर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके लॉग में हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए ई रेज टू पावर इसके लॉग लगेगा एंड ये इंटू में रहेगा, ई रेज टू पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, ई रेज टू पावर लॉग वाई इंटू लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, ई रेज टू पावर लॉग जेड
e raised to power log z, e raised to power log z into log x minus log y. अब सभी e raised to power हैं, e के exponent हैं, सारे multiplication में हैं. ये क्या होंगे? आपस में add हो जाएंगे. log x into log y minus log z into log x plus log y log z minus log y log x plus log z log x minus log z log y. तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी. e raise to power क्या है आपके पास? 0 and e raise to power 0 is equal to 1. तो कर सकते हैं इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं आपके आपके पास हैं वो कीजिए. मैं भी असाइनमेंट भेजता हूं और इसके बाद जो प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड.